देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर जहां देश भर में बाल दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वहीं खबर इंडिया की टीम आपको पौड़ी के नंदाखेत गांव में एक ऐसे दस्तावेजों का संकलन दिखा रही है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। नंदाखेत गांव में पूर्व सैनिक और पर्यावरणविद रमेश बौड़ाई के घर में नेहरू जी की यादों से जुड़ा कई मीटर लंबा दस्तावेज मौजूद है, जिसमें के बाल्यकाल से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने और अंतिम सांस लेने तक की अखबार और पत्रिकाओं में उनके बारे में छपी खबरों का संकलन है। इस दस्तावेज के बारे में जानकारी देते हुए बड़ई ने बताया कि उनके स्वर्गीय ससुर शुभाराम संतोषी, जो हैसोड़िंग गांव के निवासी थे, उन्होंने ये दस्तावेज उन्हें सौंपे थे। मैं एक सैनिक होने के नाते लगभग 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूं, और समाज सेवा के साथ साथ मेरे पूजनीय ससुर जी जो शोभाराम संतोषी थे, वो ये अपनी विरासत को मुझे सौंप गए थे अपने मरने से पहले, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने इस मेरी विरासत को आगे बढ़ाना है। और हम भी नहीं चाहते थे कि इसका प्रचार हो, लेकिन आपसे मैंने थोड़ा जिगर किया था तो आपने कह दिया कि, क्योंकि आप एक खोजी पत्रकार हैं, और आपने कह दिया कि थोड़ा हमको दिखा दीजिए, नहीं तो आज तक तो इसको हमने कभी किसी को दिखाया नहीं, और ना हमने कांग्रेस से इसके बदले में कुछ मांगा। हम तो ये उनकी विरासत है, ये विरासत जब तक हमें अपने पास रखेंगे, और जब हम नहीं होंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इसको दे के जाएंगे, ताकि लोग याद रखें नेहरू जी को कि नेहरू जी कौन थे। बाल दिवस के अवसर पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा उनको कि नेहरू जी के जैसा काम करें, और राहुल गांधी अपने आप में दिल के बहुत अच्छे हैं। मैंने हालांकि आज तक मैं उनको मिल नहीं पाया हूँ, टीवी के माध्यम से ही और जनसभाओं के माध्यम से उनको देखा है। उनके पिताजी जो राजीव गांधी थे, वो मेरे आइकॉन थे, मैं उनको बहुत पसंद करता था। उस टाइम मैं सेना में था तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। और जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, उनकी दादी, उनको भी मैं एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में मानता था, और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, ये उन लोगों की गलत फहमी है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कांग्रेस ने इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाई, और कांग्रेस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है।